तो दोस्तों, जैसे कि आज मैं आप लोगों को बता दूं कि आज करवा चौथ का दिन है, तो हर दिन हम लोग दोस्त लोगों के साथ तो बहुत इंजॉय करते हैं, सब चीज़ करते हैं, लेकिन ज़िंदगी में एक शादी होने के बाद एक लाइफ पार्टनर जो आ जाती है ना, उसके बाद ज़िंदगी का जो मज़ा है ना दोस्तों, और दुगना हो जाता है। दोस्त तो रहते ही रहते हैं, लेकिन एक लाइफ पार्टनर भी मिल जाती है जिससे आप सारी बातें शेयर कर सकते हैं। तो उनके लिए आज एक खास दिन है, चूँकि बिना पानी के बिना खाए पिए सुबह से लेकर शाम तक हमारे लिए व्रत रहती है, तो मैंने सोचा क्यों ना उस पर एक ब्लॉग बना दिया जाए। तो फिर से दोस्तों कंटिन्यू कि छोटों को हेलो बड़ों को प्रणाम डायलॉग दोस्तों आप लोगों को भी याद हो गया होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अब जैसे कि आपका भाई भी देख सकते हैं बन ठन के तैयार हो गया एकदम कुर्ता पजामा धासु स्टाइल में, तो अब हमारी मैडम जी जो है पहले भी आप लोग देख चुके हैं, लेकिन आज फुल्ली गेटअप में दिखाते हैं और पूजा करते हुए साथ में, तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिएगा मेरे साथ। टाइम पे छोटा सा हीरो हमारे साथ आ गया है। हीरो हाय बोल दो। हाय दोस्तों, ये प्रसाद भी बना के रखा गया है भगवान के लिए, इसे चढ़ाया जाएगा भगवान पर, और दिया बाती अगरबत्ती सब रेडी है, बस अब जलाते हैं, साथ में बैठ के पूजा अर्चना कर लेते हैं। तो देख सकते हैं आप पूजा जो चालू हो चुकी है, तो आप लोग भी आनंद लीजिए पूजा का, मैं चलूंगा ही जिसके लिए आए, और हमारे मैडम जी को देख लीजिए बड़ी खूबसूरत और प्यारी लग रही है। व्यूअर्स को खाए हुए बोल दीजिए, दिन आपका है, क्या कर सकते हैं, कुछ बोल नहीं सकते। इनका दिन तो हो गया है, पूजा अर्चना भी कर लिया है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा दिख कैसी रही थी मैडम जी, क्योंकि अपन तो डेली देखते हैं लेकिन आज कुछ खास दिन है इसलिए हम आ गए आप लोगों के सामने। तो अब चांद का टाइम जो है होने वाला था, लेकिन यहाँ पे बारिश शुरू हो गई जिसके कारण पानी रुकेगा, उसके बाद बादल हटेंगे और फिर चांद के दर्शन हो गए, उसके बाद इनका व्रत तोड़ा जाएगा, तो साथ में रहिएगा क्योंकि कोई भी अपडेट छोड़। अब भगवान की पूजा तो हो गई है, देख सकते हैं आप सभी लोग दिया बाती भगवान को भोग भी लग गया है, अब इनका नंबर कब आता है देखते हैं। तो अपनी पूजा होनी बाकी है, ऊपर चलते हैं छत पे, अगर कुछ बादल वादल हटते हैं तो चांद के दर्शन हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं होते हैं तो फिर भूखे रहेंगे और क्या। तो कुछ कहेंगे हमारे व्यूअर से? ये है कि करवा चौथ प्रेजेंट चाहिए जो मेरे लिए लाए हैं कि नहीं, डिमांड शुरू हो गई है, डिमांड शुरू, लंबी लिस्ट निकलेगी, पता नहीं है कि मुझे क्या देंगे। दोस्तों काम सीधे देते हैं, नक्की करते हैं, क्या बोलते हो आप लोग, जैसा बोलोगे वैसा कर देंगे, छोड़ो अब इंतजार सिर्फ प्रेजेंट का है और चांद का है, चांद दिखेगा तो जल्दी से व्रत टूटेगा और प्रेजेंट मिलेगा। प्रेजेंट के लिए देखते हैं क्या देते हैं भाई, आपका भाई छोटा मोटा आदमी कहाँ है, प्रेजेंट प्रेजेंट लिस्ट लंबी निकाल देते हैं, शॉपिंग तो खत्म ही नहीं होती जब से तब चालू हो जाती है। दोस्तों जो गिफ्ट लाए हैं ना उसे भी हम आप लोगों को दिखा देता हूँ, क्योंकि मैडम जी ऊपर गई हुई हैं, उसके आने से पहले हम आप लोग गिफ्ट दिखा दें, नहीं तो आएंगी तो बाकी बवाल। तो फिर देखिए दूसरी बीबी ले आए हैं, अब पका के खिलाएंगी अब हमको इसमें, जो कि देख सकते हैं भाई की चपत, तो फिर क्या बोलोगे यार, लेकिन क्या कोई दिक्कत नहीं है, घर में ही यूज़ होना है और हम ही को खाना है, इसमें बना बना के हम ही को मिलेगा खाने, तो मजे लेंगे। फाइनली चांद तो नहीं निकला है, लेकिन अभी हम लोग फिर भी ऊपर चलते हैं, देखते हैं चांद नहीं निकलेगा तो भी वीडियो कॉल के माध्यम से चांद के दर्शन कर लेते हैं। अब फाइनली हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग,
लाइट भी जला ली है ताकि कोई दिक्कत ना हो। नहीं और भैया जी भी आ रहे हैं और छोटे उस्ताद भी आ रहे हैं। फाइनली छत पे पहुंच चुके हैं, चांद तो दिखेगा नहीं तो वीडियो कॉल करते हैं तो को भी दिखाते हैं। फाइनली पूजा की तैयारी शुरू हो गई, काफ़ी अंधेरा होने के कारण मैं फेस क्लियर नहीं दिख पा रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि फेस क्लियर दिख जाए। पूजा इनने शुरू कर दी है, अब हमारी पूजा होगी। चांद नहीं दिखा फिर भी चांद नहीं दिखा, भाभी जी भी आ गई, अब पूजा होगी। ये भाभी जी के द्वारा ये भैया जी की पूजा की जाएगी, देख सकते फाइनली पूजा वूजा हो गई है, देख सकते तिलक विलक लग गया है। तो अब जो चोरों की भूख लगी है इनको और मेरे को भी, तो अब जाते हैं नीचे बस खाना खाएंगे। अब भैया जी का भी उपास टूट गया, भैया तो नहीं थे भाभी थी, उनका भी उपास टूट गया है। तो उपास तोड़ रहे हैं हम लोग, देख सकते हैं। ओहो पानी गया अंदर, अब तो कोई नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा। देखो मैं जला देती हूं, दो थोड़ा सा खिला देते हैं, बाकी खाना नीचे जाके खाएंगे। फाइनली सब प्रोग्राम खत्म हो गया, सदा स्वागत हो, ऐसी आशीर्वाद दे देते हैं हम लोग। तो यो फाइनली नीचे आ गए हैं, तो अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बड़े जोरों की भूख लगी, तो अब खाना खाएंगे हम लोग। आ गए वापस ऊपर से नीचे, खाने की जो थाली थी अब मेरे सामने आ गई है। जैसे कि मैंने आप लोग बताया था, तो खाने के भी दर्शन कर लीजिए क्या क्या मिल रहा है आज खाने में। देख सकते हैं खाने में जो है बड़े ही जोरदार जोरदार चीज़ें, ये पूड़ी, छोले की सब्जी, पनीर मसाला, खीर और आपका पनीर चिली। आज भाई मैं तो बोलता हूँ रोज़ उपास रहे हैं यार इन लोग, इतना अच्छा खाना उपास के बाद भी मिल रहा है। दोस्तों जो सारा कार्यक्रम था वो समाप्त हो गया है, तो अब हम लोग आगे खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद ये ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो जिन भाइयों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी वो ये वीडियो को शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप लोग अगर सब्सक्राइब करके रखेंगे और जो बेल आइकॉन के बटन है उसको दबा के रखेंगे, तो शायद मेरी नेक्स्ट वीडियो कहीं बाहर जाने की प्लानिंग चल रही है, तो जब मैं जाऊँगा तो आप लोगों को वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी अपडेट हो टाइम पे। तो दोस्तों चलिए फिर अलविदा दीजिए मुझे, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।